हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी, राष्ट्रपति ने असम में किया ट्रेन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। जाने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर के बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 अक्टूबर को असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह उद्घाटन कार्यक्रम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल जगदीश मुखी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली आदि मौजूद थे। मेघालय और नागालैंड को जोड़ने वाली ट्रेन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अवसर पर मेघालय और नागालैंड को जोड़ने वाली यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन नागालैंड के सोखुवी से चलकर गुवाहाटी से होते हुए मेघालय के मेंदीपाथर तक जाएगी, जिससे इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिवहन का नया साधन यहाँ के निवासियों को मिलेगा। रेल फैंड पेट्रोलियम भंडार डिपो का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सिलचर स्थित मोइनार बॉन्ड में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेल फैंड पेट्रोलियम भंडार डिपो का भी उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने गोहपुर को होलोंग से और सिलचर को बदरपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का भी उद्घाटन किया है। आदर्श माध्यमिक विद्यालयों का शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साथ ही चाय बागान क्षेत्रों के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालयों, 3000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों और गुवाहाटी के समीप अग्यथुरी में एक आधुनिक कार्गो या कोचिंग टर्मिनल की भी आधारशिला रखी है। इसकी मदद से आगे आने वाले समय में शिक्षा के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी यात्रा के पहले दिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था। साथ ही उन्होंने उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला समीर का भी उद्घाटन किया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकसित किया गया अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। इस राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है सरकार का विजन। केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही क्षेत्र में व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम डिवाइन नाम से एक योजना का ऐलान किया था, जो इन क्षेत्रों के विकास के लिए सहयोग प्रदान करेगा। यह एक पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है। साथ ही सरकार पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर रही है, जो क्षेत्र को और आगे ले जाएंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।